दोनों आमदार बीजेपी के रह सकते थे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल्स के कारण हमको उनको एक सीट देना पड़ा, प्रताप सरनाइक को। लेकिन उन्होंने गद्दारी कर हमारे जो नेता है नरेंद्र मेहता जी को उन्होंने हराया। और मैंने दिलीप डोले के ऊपर क्यों किया, क्योंकि दिलीप डोले ने क्या किया है ये तो ऑफिशियली भी हो चुका है, इनकम टैक्स बोलो ईडी बोलो उनके पीछे भी लगी है। उन्होंने मेरा एक रेस्टोरेंट जो वेज रेस्टोरेंट में बनाने वाला था उनके ऊपर उसके ऊपर उनका नज़र पड़ा तो उन्होंने वो रेस्टोरेंट मांग लिया मेरे से, तो हमने देने से इनकार करने के बाद उन्होंने उस रेस्टोरेंट को इल्लीगल डिक्लेयर कर इल्लीगल है बोलकर कुछ तो उन्होंने नगर पालिका जो डोले जो उनके पेरोल में काम करता था उसको गलत बोलकर उसको वो उन्होंने उस रेस्टोरेंट को बंद करवा दिया। नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी का। क्या था पूरा मामला, इस वक्त हमारे साथ में बात करने के लिए पूर्व नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के अरविंद शेट्टी मौजूद है। क्या कहेंगे, किस तरह का मामला था? अजीम जी, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आप मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाएंगे। ये झगड़ा जो है, ये जो डिस्प्यूट जो है, छः साल पहले चालू हुआ था जब मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैं बीजेपी में ज्वाइन किया था। तो प्रताप सरनाइक ने अपने पीए को शिवाजी को मेरे पास भेजकर बोला कि ये पार्टी ज्वाइन करो करके, तो मैंने उनको इनकार कर दिया। इनकार करने से उनको आया गुस्सा, उस मामले से उन्होंने शुरुआत कर दिया। फिर एक जब मैं जीत कर आया तो जीत कर आने के बाद वो मुझे बड़ी सभा में मुझे एकदम गंदी गाली देते थे जो मैं ऑन लाइव आपको बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता हूँ। और मेरे कॉम को, स्पेशली शेट्टी कॉम्स को, वो एकदम गंदे गंदे गाली से मुझे बुलाते थे। फिर मेरा बाद में थोड़े दिन के बाद उन्होंने मेरा एक रेस्टोरेंट जो वेज रेस्टोरेंट में बनाने वाला था उसके ऊपर उनका नज़र पड़ा तो उन्होंने वो रेस्टोरेंट मांग लिया मेरे से, तो हमने देने से इनकार करने के बाद उन्होंने उस रेस्टोरेंट को इल्लीगल डिक्लेयर कर इल्लीगल है बोलकर कुछ तो उन्होंने नगर पालिका जो डोले जो उनके पेरोल में काम करता था उसको गलत बोलकर उसको वो उन्होंने उस रेस्टोरेंट को बंद करवा दिया। वहाँ तक उनका पेट नहीं भरा, फिर वो कोविड में वो जब भी अभी आपको भी यही बताएंगे कि मैं एरिया साफ कर रहा हूँ, मैं लेडीज़ बार बंद कर रहा हूँ। अरे कोविड में कौन सा लेडीज़ बार चालू था, कौन से लेडीज़ बार कोविड में चालू होता है, और बंद में और बंद होटल को वो तोड़ के चले जाते थे, दूसरा होटल तोड़ा। फिर उसके बाद मेरा एक इधर लॉजिंग बोर्डिंग है, मेरा रेस्टोरेंट मेरा रूम्स का होटल है, जैसे उनका विहांग है वैसे ही वही टाइप का होटल मेरा इधर है, उसको भी तोड़वा दिया। अब ये तो फैमिली रेस्टोरेंट है, इसके पीछे भी लग गए तो लग तो तोड़ तो दिए। मेरा आवाज़ मैं ऊपर तक नहीं पहुँचा पा रहा था, मैं CM साहब तक नहीं पहुँच पा रहा था, फिर भी उन्होंने मेरा पूरा होटल तोड़ के चले गए। फिर अभी 3 दिन पहले यहाँ 6 फुट का वॉल बनाकर मेरा एंट्रेंस बंद करने जा रहे थे। इतना टॉर्चर करने के बाद कौन इंसान सह सकता है, तो मैंने इतना ही कि मेरी आवाज़ मैं लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ था, इसके लिए मैंने जो आपने देखा कल वीडियो में मैं फ्रस्ट्रेशन में मैंने किया। आपने विधायक प्रताप सरनाइक पर आरोप लगाया कि उन्होंने आपको उनके पार्टी में आने के लिए ऑफ़र किया था लेकिन आप नहीं गए, इसलिए आपको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर भी इसी तरह का आरोप होता है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ आपके खिलाफ ईडी नहीं लगेगी, सत्ता आपकी है भाजपा की, उप मुख्यमंत्री आपके, फिर इस तरह का तकलीफों का सामना आपको क्यों करना पड़ रहा है? वहाँ तक तो मुझे नहीं पता, ऊपर के लेवल में कहाँ क्या हो रहा है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ एक प्रताप सरनाइक जी जो है शिवसेना के, वो तो बीजेपी के साथ ओपनली कर रहे हैं, ओपनली। प्रताप सरनाइक के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ, तो मेरे साथ तो हो रहा है, ये तो सबको दिख रहा है, जब कुछ जाहिर है सबको दिख रहा है ये। नहीं, उनके खिलाफ भी ईडी वगैरह थी, कार्रवाई तो हुई थी ना? कार्रवाई होगी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, वो बचेंगे नहीं, उनको लगता है वो बचेंगे। इस तरह से हरकत उन्होंने एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और कॉरपोरेटरों को और बहुत लोगों को परेशान किया है, बहुत लोगों का लैंड उन्होंने लूटा है, उनके ऊपर ईडी का कार्रवाई होगा ही होगा। अरविंद शेट्टी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक रह चुके हैं, आपका मीरा भाईंदर शहर में विधायक रह चुका है, आपकी राज्य में सत्ता है,
केंद्र में भाजपा की सत्ता है, फिर भी आपको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र में है, स्टेट में है, मानता हूँ, लेकिन मीरा भाईंदर में आप बोलो तो नहीं है। आज दोनों आमदार जो है वो हमारे बीजेपी के नहीं है, जबकि दोनों आमदार हमारे बीजेपी के आ सकते हैं, दोनों आमदार बीजेपी के रह सकते थे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल्स के कारण हमको उनको एक सीट देना पड़ा, प्रताप सरनाईक को। लेकिन उन्होंने गद्दारी कर हमारे जो नेता है नरेंद्र मेहता जी को उन्होंने हराया और खुद का सीट उन्होंने लेके आया, तो हमारी दोनों सीट चली गई। इन शॉर्ट हमारे आवाज़ सुनने वाले हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आवाज़ सुनने वाला मीरा भाईंदर में तो कोई नहीं है। आपने पूर्व मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले पर भी आरोप लगाया कि वो पेरोल पर काम करते थे, आप कैसे आरोप लगा सकते, किसी एक अधिकारी पर इस तरह का संगीन आरोप कैसे लगा सकते? संगीन जग जाहिर है उन्होंने क्या क्या नहीं किया। ये मीरा रोड में आने के बाद उन्होंने जो लूटपाट किया वो तो सबको पता, मुझे उनसे कुछ लेना देना, वो उनका काम है वो देखे। उसके पहले भी बहुत कमिश्नर आए, लेकिन मैंने किसी कमिश्नर के ऊपर मैंने आरोप नहीं लगाया। आज भी जो हमारे कमिश्नर जो आए हैं कितने ईमानदार कमिश्नर हैं, मैं खुलेआम बोल सकता हूँ, क्योंकि वो किसी के बोलने पे, प्रताप सरनाईक के बोलने पे या किसी के बोलने पे वो अटैक नहीं करते, जो सही है वही काम करते। तो मैंने कभी उनके ऊपर आरोप नहीं किया। मैंने दिलीप ढोले के ऊपर क्यों किया, क्योंकि दिलीप ढोले ने क्या किया है ये तो ऑफिशियली भी हो चुका है, इनकम टैक्स बोलो, ईडी बोलो, उनके पीछे भी लगी है। अरविंद शेट्टी जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई है, शिंदे और फडणवीस सरकार से भी गुहार लगाई है, आप किस तरह का न्याय की अपेक्षा है आपको? मैं देवेंद्र फडणवीस जी से इतना ही बोलूँगा कि ऐसे राक्षस, मेरा ये वर्ड रॉन्ग है मुझे पता है, लेकिन ऐसे राक्षस को फिर से टिकट मत दो। अगर हम बीजेपी के अगर कोई आमदार कोई गलत काम करता है तो उसकी टिकट काट दी जाती है, लेकिन इनका टिकट कौन काटेगा? ऐसे करप्ट शिवसेना, मैं शिंदे साहब को भी बोलूंगा, ऐसे करप्ट को फिर से टिकट मत देना। ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी, जिन्होंने विधायक प्रताप सरनाईक पर गंभीर आरोप लगाया, साथ ही साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त दिलीप ढोले पर भी इन्होंने आरोप लगाया। इस संदर्भ में हम ज़रूर विधायक प्रताप सरनाईक से बातचीत करने का प्रयत्न करेंगे, इस पूरे मामले पे वो क्या उनकी प्रतिक्रिया है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़, में अजीम तांबोली, मीरा रोड।